अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे हमने लास्ट टाइम। कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड तीन तरह के रिएक्शन दे रहा होता है। अगर ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3C(OH) O के साथ कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, अगर मैं इस H को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के लगा दूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ रिएक्शन डिस्कस किए थे और लास्ट टाइम हमने ये भी बात कही थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड तीन तरह के रिएक्शन देता है। एक वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, एक वो रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप, ये वाला पूरे का पूरा ग्रुप उतरेगा, और एक वो रिएक्शन जिसमें ये कार्बोनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ये तीन तरह के रिएक्शन से आज हम दूसरी तरह के रिएक्शन पर आएंगे, दोज रिएक्शन इन विच हाइड्रोक्साइड ग्रुप या OH ग्रुप इन्वॉल्व। रिएक्शंस इन विच, ऐसे रिएक्शन जिसमें बॉन्ड OH ग्रुप, बॉन्ड OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व। तो याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा था हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो यहाँ पे किस तरह के केमिकल रिएक्शन हो गया, फिर थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। देखो, आपको पता है कि अगर यहाँ से हाइड्रोक्साइड निकले तो ये निकलेगा OH माइनस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये वाला जो OH माइनस है, इसको हम बेसिकली कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वहां पे रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव ग्रुप हो जाती है। वहां पे क्या होगा हमारे पास, रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव ग्रुप इफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी शेयर जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन द OH ग्रुप, OH नेगेटिव ग्रुप, या OH ग्रुप का लो इस तरह, OH ग्रुप ग्रुप इज रिप्लेस्ड, ये वाला ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। भाई, इस ग्रुप को रिप्लेस करने वाली कोई भी नेगेटिव शेयर हो सकती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। दिस ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, दिस ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, इस ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस्ड बाय। रिप्लेस करने वाली चीज़ों में Cl नेगेटिव हो सकता है, NH2 हो सकता है, सही है। इसके बाद हमारे पास हो सकता है हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड भी हो सकता है, ETC, यानी कोई भी नेगेटिव शेयर हो सकती है। भैया, इसके नतीजे में जो चीज़ हमारे पास बनेगी उसको कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप उतर के उसकी जगह पे कोई चीज़ लग रही है, दैट्स व्हाट इज नोन एज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इन रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, दीज रिएक्शंस आर नोन एज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का नाम दे रहे होते हैं, क्या नाम दे रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का नाम देंगे। ले जी, ये थे जी तीन पॉइंट। अब आगे हमने रिएक्शन को डिस्कस करना है, तो अभी हमारे पास जो पहला रिएक्शन है इसमें वह है फॉर्मेशन ऑफ, हेडिंग दे दो, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, या फिर आप इसकी जगह पे ये भी कह सकते हो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन डिस्कस करने लगे हैं, रिएक्शन विद PCl3
और PCl5 और SOCl2, इन तीन चीज़ों के साथ हमने रिएक्शन करवाना है। भाई अगर आपको अल्कोहल के रिएक्शन पता हो ना, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे, सेम एग्जैक्ट रिएक्शन है। अगर याद हो ना, अल्कोहल के रिएक्शन पढ़े थे हमने, अल्कोहल के रिएक्शन में हमने कहा था जी हमारे पास C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड H है। एक हम रिएक्शन पढ़े थे जिसमें H अकेला निकलता था, एक रिएक्शन पढ़े थे जिसमें OH निकलता था, जिसमें OH रिप्लेस होता था, उसमें हमने रिएक्शन विद PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ पढ़ा था। और SOCl2 का रिएक्शन हमने इसके साथ करवा के अल्काइल हैलाइड बनाते थे, सही, OH उतरता था, उसकी जगह पर क्लोरीन आकर लग जाती थी, सही है। तो यहाँ चेक कीजिए किस तरह रिएक्शन होता है, तो सेम चीज़ है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। मैं अगर इसका रिएक्शन PCl3 के साथ करवाऊँ, किसके साथ कराऊँ, PCl3 के साथ, तो होगा क्या कि यहाँ से तीन क्लोरीन तीन OH को उतारेंगे, उतारने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, तीन OH और फास्फोरस मिलके हमारे पास बना देंगे H3PO3। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, O के साथ H है, और इसका रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, PCl5 के साथ। अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे पहले नंबर पे OH उतरेगा, इसकी जगह क्या आएगा, जुड़ेगा क्लोरीन, क्योंकि ये वो वाला रिएक्शन है जिसमें क्या चीज़ होती है, OH उतरेगा, उसकी जगह पे आगे लग गया क्लोरीन। चलो ठीक है, एक OH है हमारे पास, और अभी हमारे पास पड़े हुए हैं PCl4, चार क्लोरीन एक फास्फोरस है, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन आपस में लेंगे, क्या बनेगा, HCl। आप देखो कितने क्लोरीन यूज हो गए, दो क्लोरीन यूज हो गए, अब यहाँ पे कितने क्लोरीन बाकी बचे हुए हैं, तीन, और ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये आपस में लेकर बना देंगे POCl3। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ये है SOCl2 के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसका रिएक्शन में करवाने लगा SO2 के साथ, थायोनाइल, सॉरी SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड। इसका मैकेनिज्म पढ़ना, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी है, सही है। तो हमारे पास क्या होगा, सेम काम है, ये वाला OH उतरेगा यहाँ से, CH3 C डबल बॉन्ड O, OH की जगह पे जो चीज़ उतर के लगेगी वो होगा हमारे पास क्लोरीन। अब देखो OH है, यहाँ पे Cl2 है, एक H और एक Cl आपस में मिलेंगे, हमारे पास बन जाएगा HCl, और साथ बन जाएगा SO2, साथ क्या बन जाएगा हमारे पास SO2। अब बात कर रहे थे मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म बिल्कुल आसान सा है, थोड़ा समझिएगा इसको, इतना आसान भी नहीं है लेकिन समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगा। अच्छा मैकेनिज्म हम ये बताएंगे ये वाला प्रोडक्ट बना कैसे, इसमें HCl और SO2 कैसे निकलता है, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास ना ये वाला कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H जुड़ा हुआ है, सही। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लूँ ये इस तरह, तो भी गलत नहीं होगा, ओपन करके लिख लिया, इस फार्मूले को ओपन करके लिखने लगा हूँ, क्या जी S डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर है एक Cl इधर, इसको भी ओपन करके SOCl2। पहले स्टेप पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से H और Cl निकलते हैं, और ये वाला बॉन्ड किसके साथ बनेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से जुड़ेंगे, और यहाँ से जो चीज़ निकल रही होती है बच्चे वो H है और साथ में Cl है। आप ऑक्सीजन और सल्फर को आपस में जोड़ना है तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जुड़ेगा ये S डबल बॉन्ड O और साथ में Cl के साथ, साथ में यहाँ से निकलेगा H+ और साथ में Cl-। Cl आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके निकलेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, अगर प्रॉपर लिखो तो, सही। एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप दोबारा फिर इसको, ये स्टेप नंबर वन है, ये क्या हमारे पास स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। आप नेक्स्ट दोबारा फिर उसको लो, क्या हमारे पास CH
थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ सी एल है। अब रिएक्शन होगा यहाँ पे सी एल नेगेटिव के साथ, किसके साथ होगा हमारे पास है? अब आपको पता है इस कार्बनल ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पार्शल नेगेटिव है और कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शल पॉजिटिव है, तो ये सी एल नेगेटिव बेसिकली जाकर जुड़ेगा यहाँ पे इस कार्बन के साथ, सही है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव को हमेशा खींचता है, ये यहाँ पे जाकर जुड़ा तो हमारे पास क्या बनेगा सी एच थ्री और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव, बाकी सेम एज इट रहेगा ओ एस डबल बॉन्ड ओ के साथ सी एल है और एक सी एल हमारे पास जुड़ गया यहाँ पे, ये वाली चीज़ बन गई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये था ये हमारे पास, इसमें क्या हुआ इस स्टेप में ये जो क्लोरीन है ये सिर्फ आके जुड़ा है कहाँ पे कार्बन के साथ और एक बॉन्ड जो कार्बन वाला था ऊपर शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि कार्बन एटम चार से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना पाएगा, सही है, तो ये वाला बॉन्ड ऊपर चला गया जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर फोर में दोबारा फिर इस चीज़ को लो, क्या हमारे पास सी एच थ्री ओ के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, इसके साथ जुड़ा है सी एल, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ सल्फर है, डबल बॉन्ड ओ है और इसके साथ है सी एल, सही है, सी एच थ्री सी सी एल है ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ सी एल, सही है, सही है। तो हमारे पास स्टेप नंबर सॉरी थर्ड है, ये स्टेप नंबर थर्ड है, फोर नहीं है, ये तीसरा स्टेप है हमारे पास। अच्छा पता क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ये वाला दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला चीज इसके पास जाएगा और यहाँ से ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, अब क्या बनेगा ज़रा गौर कीजिएगा, सी एच थ्री सी यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और ये वाला सी एल मैं नीचे चलो लिख देता हूँ, ये वाला सी एल वैसे का वैसे रहेगा यहाँ पे, ये देखो ये वाला जब बॉन्ड यहाँ पे जाएगा ये बेसिकली ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नहीं जाता, ये बेसिकली यहाँ पे चला जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे से निकलता है तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाती है एस ओ टू और साथ एक क्लोरीन निकलता है और जो कि है सी एल नेगेटिव। और स्टेप नंबर फोर में हमारे पास क्या होगा, जो एक एच प्लस ये पड़ा हुआ है ये सी एल माइनस यूज हो गया था नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन एच प्लस अभी पड़ा हुआ है, ये एच प्लस वो वाला सी एल माइनस एच प्लस प्लस सी एल माइनस ये आपस में चेक करता है हमारे पास बन जाता है एच, देखो इस प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट बना ये चेक करो जब ये रिएक्शन हुआ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल साथ बना एस ओ टू और इसके साथ बना है एच सी एल। तो ये था जी हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन का मैकेनिज्म, सही है, तो ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है थोड़ा बहुत, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे ये नॉर्मल इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इस चैप्टर में से बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दे देता है तो ये नॉर्मल इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कहूँगा, लेकिन अगर कर सकता है कोई बच्चा तो वो लाजमी करें क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर बन रहा है और अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन वो उठा के देते हैं जिसके साथ कोई मैकेनिज्म हो प्रॉपर बन लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा हो, तो ये अभी तक आपके इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिखें एंड राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म, से डेढ़ नंबर का रिएक्शन होगा बाकी ढाई नंबर का मैकेनिज्म डालेगा आपका नंबर दे देगा, सही है, तो ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।